During this period, almost 96% of the network is electrified, 31,000 kilometers नए रेलवे ट्रैक बने. इमेजिन 31,000 किलोमीटर इज लाइक अ लार्ज कंट्री लाइक जर्मनी इज 35,000 किलोमीटर. यानी प्रैक्टिकली जर्मनी के पूरे नेटवर्क से थोड़ा सा उतना उसी परिमाण का उसी ऑर्डर का रेलवे नेटवर्क भारत में पिछले 10 वर्षों में जुड़ा है. इन सब फाउंडेशनल चीजों को करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी लाए. इसीलिए जरूरी है कि अगले कई वर्षों तक रेलवे के ऊपर फोकस करके कंटिन्यूसली इसको डेवलप करते जाएं. इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में भी 2024-25 के बजट में भी रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपीस का. मैं नॉर्थ ईस्ट की पहले बात करूंगा. कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इस बार भी बहुत अच्छा बजट आउटले है, एलोकेशन है 10,376 करोड़ रुपीस. 10,376 करोड़ रुपीस. एंड एज यू आर अवेयर, नॉर्थ ईस्ट में टोटल 18 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है जिसमें 74,972 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. 74,972 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है. 60 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है. कंप्लीटली रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है अमृत स्टेशन बनाने का, उसमें आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करेंगे. और एक रिकॉर्ड नंबर्स में पिछले 10 सालों में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने. कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इज ह्यूज एरिया, असम सिक्किम कंप्लीट जो सारे स्टेट्स मिला के 470 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस बने 10 सालों में. 470, दैट्स अ रिकॉर्ड. इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत तेजी से हुआ है. कुछ जो बाकी है वो आगामी कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगा. सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जितने भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए सब्सटेंशियल अमाउंट एलोकेशन हुआ है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीएम साहब से और डीआरएम साहब से, आप इंडिविजुअल हमारे पत्रकार साथियों को और जनप्रतिनिधियों को सबको इंडिविजुअली एक एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताएं और फीडबैक भी लें. किसी प्रोजेक्ट में कैसी प्रोग्रेस है, अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप फीडबैक भी जरूर लें. ऐसा मेरा निवेदन है जीएम साहब से, डीआरएम साहब से, पत्रकार साथियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी. सबसे फीडबैक लेके काम को और तेजी से आगे बढ़ाएं. नाउ वेलकम टू ओडिशा. क्वेश्चन बांध लेंगे. हाँ बंधुगण, बहुत हर्षर विषय, बहुत आनंदर विषय जे यही वर्ष मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी रेलवे पाई गोटे रिकॉर्ड एलोकेशन करिछंती. 2,62,000 कोटी टंकार रेलवे पाई टोटल एलोकेशन करिछंती. जेउं भली भावरे गत 10 वर्ष भितरे रेलवे रो डेवलपमेंट हेई आसीछि, एही वर्षर जहां एलोकेशन माननीय मोदी जी करिछंती प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को तांकु धन्यवाद जनाउछि जे जत्ते एलोकेशन करिछंती से एलोकेशन रु निश्चित भाव रेलवे को बहुत लाभ हम और रेलवे रो डेवलपमेंट हम. ओडिशा रे आउ थरे खुशी रो खबर. ओडिशा रे थरे रिकॉर्ड एलोकेशन है 10,586 कोटी टंका, 10,586 करोड़. आपण देखंतु कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी जी करो ओडिशा प्रति बहुत, ओडिशा रे रेलवे प्रति बहुत आग्रह रही. बहुत से कंटिन्यूअसली ओडिशा रे प्रोजेक्ट्स उपरे निजे रिव्यू करती देखती निजे. खुशी रो कथा 10,586 करोड़ तत् सहित तो प्रोजेक्ट रो एग्जीक्यूशन भी बहुत बेसी अगैला. आपण जानिथिबे यूपीए समय रे मात्र 838 कोटी टंका मिलुथिला, 838 करोड़. आज जहां मोदी जी देउछंती सेटा 12 गुणा अधिक,
12 टाइम्स अधिक देउछंती यूपीए समय मने थिबो समस्ते रेल बजेट समय रे स्पीकर को अध्यक्षता रे सब दिन गोटे कमिटी आसुथिला दिल्ली रे दिल्ली को जे किछि फंड्स एक्स्ट्रा दियंतु किछि तांकर यूपीए समय यूपीए सरकार किछि सुणु नथिला मोदी जी स्वतः सब दिन ओडिशा पई विशेष ध्यान दे कि एही थारे मध्य 10,586 करोड़ रुपीज रो एलोकेशन कर ओडिशा रे टोटल 40टा खंडे प्रोजेक्ट वर्तमान चली छि 40 प्रोजेक्ट्स आर ऑनगोइंग जो थिरे 54,434 करोड़ रुपीज रो इन्वेस्टमेंट हो 54,434 करोड़ रुपीज रो इन्वेस्टमेंट से थिरे हो हमें जो जत्ते नुआ प्रोजेक्ट्स आरंभ करिवारो प्लानिंग आमे करी छे से प्लानिंग जेमिति आगामी 5 वर्ष एई टर्म मोदी जींकर थर्ड टर्म रे एई टर्म रे ओडिसा रे बहुत रेलवे रो डेवलपमेंट होबो। जदि आपनकु हमर वीडियो टी भल लागिला तबे हमर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।